आज मैं आप लोगों के साथ में फुल बॉडी फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ। इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे आपकी जो बॉडी है उसमें एक साइन ऐड हो जाएगी, आपकी जो रंगत है वो निखरने लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट ले लेना है जो कि हर घर में पाया जाता है, वो है बेसन। ग्राम फ्लोर ले लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया है ग्राम फ्लोर ले लिया है। आपको जितना आपको लगाना है, जैसे सिर्फ हाथों पे या पैरों पे या फुल बॉडी लगाना है, उसके हिसाब से आप उस क्वांटिटी से यहाँ पर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें लेना है हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी। तो यहाँ पर मैं वाइल्ड टर्मरिक ले रही हूँ, आप भी कोशिश करें कि वाइल्ड टर्मरिक ले, या फिर जो गांठे वाली हल्दी होती है ना उसको पीस के रख ले, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बाकी जो किचन वाली रेडीमेड हल्दी होती है वो थोड़ा सा रिक्सी रहता है, तो उसे वाइट करें। अब यहाँ पर तीसरा इंग्रेडिएंट हमें ले लेना है कॉफ़ी, जो कि स्किन वाइटनिंग, इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग करता है। ये हमारे चाहे हमारे फेस पे हुए, बॉडी पे हम इसे अप्लाई करते हैं तो हमारी जो स्किन है उसको इंस्टेंट ये वाइटनिंग का काम करता है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर ले लिया है। पहले तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि कॉफ़ी क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें खुरदुरा सा होता है, तो इस तरह से स्पून से हम इसे दबाते हुए मिक्स करेंगे। वैसे तो बाद में इसको हम मिक्स करके अगर 2-4 मिनट के लिए रख देंगे तो वैसे भी मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले सूखा ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो ये पाउडर बना के स्टोर करके अपने बाथरूम में रख सकते हैं, और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो उस टाइम पर अभी जो इंग्रेडिएंट हम इसमें डाल के इसको मिलाने वाले हैं, इसका जो पेस्ट बना लें, तो पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका पेस्ट बना के भी आप रख सकते हैं। लेकिन डेली तो हम पूरे बॉडी पे अपना फेस पैक नहीं लगाते हैं, मतलब होता नहीं, या तो अल्टर डे नेट पे लगाते हैं या हफ्ते में 2 बार लगाते हैं। तो इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही, तो दही हमें 4 चम्मच लेना है। ये घर की बनी हुई दही है, मार्केट वाली दही मैंने नहीं लिया, और कोशिश करना कि जो दही हो ना वो खट्टी होनी चाहिए, थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए दही। तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच हमने दही डाल लिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज भी तो करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से लें यहाँ पर। तो 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब वे फेस पैक को हम अपने बॉडी पे अप्लाई करेंगे ना, उसके बाद जब वो वॉश करोगे तो क्या है, आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी। नहीं तो अक्सर होता है कि जब हम फेस पैक यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने फेस पे या फिर बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जब उसे वॉश कर लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी स्किन है, वो खिंचाव सा महसूस होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑलिव ऑयल डाल लें या कोकोनट ऑयल डाले, जो आपका फेवरेट है वो ऑयल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को हमें ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। आप फुल बॉडी पे नहाने से पहले पूरे बॉडी पे, अपने फेस पे भी इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो कोई ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है। तो आप इसे फुल बॉडी, फेस, सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लगाएंगे और थोड़ी देर हम इसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, और 10 मिनट आप अपने बॉडी पे इसको इसी तरह रहने दें। उसके बाद हल्का सा मालिश, हाथों को गीला कर लें और हल्का सा मालिश करते हुए ये जो पैक है उसको अपने बॉडी से रिमूव करें। आप देखेंगे, और जिस दिन आप पैक का इस्तेमाल करेंगे उस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी इस्तेमाल करते होंगे, जैसे साबुन हो गया, बॉडी वॉश हो गया, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस दिन आप बिल्कुल भी ना करें। बस इस फेस पैक को आप लगाएं और 10 मिनट रहने दें। उसके बाद आपको ठंडे पानी से पूरा अच्छे से धुलाई कर लेना है। फिर आने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र आप अपने बॉडी पर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करें, आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इस फेस पैक को आप बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके रंग को फेयर करने के लिए। बच्चों की जो स्किन होती है वो काली हो जाती है, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।